नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश मूरजानी है और अभी हम भारत और अमेरिका के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग की चर्चा करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत के दौरे पर हैं। उन्हें द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। यह यात्रा इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले हो रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के नए तरीकों की खोज करने, नई तकनीकों के सह विकास और मौजूदा प्रणालियों के सह उत्पादन के अवसरों की पहचान करने पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्रियों ने दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। रक्षा औद्योगिक सहयोग या यूएस इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के तहत तैयार किया गया यह रोडमैप अगले कुछ वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच नीतिगत दिशा मार्गदर्शक का काम करेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ ही नए रक्षा डोमेन विकसित करने पर भी आपसी सहमति बनी थी। इसके तहत 23 मई 2023 को नई दिल्ली में यूएस इंडिया एडवांस डोमेन डिफेंस डायलॉग का आयोजन भी किया गया था। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद एक उच्च स्तरीय राजनयिक शिखर सम्मेलन है। इसमें दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भागीदारी करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वर्ष 2018 के बाद से हर साल होता आ रहा है।